हेलो, उपासना देवी, दिव्या दिव्या के कजिन बोल रही हूँ। आई नीड योर हेल्प क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? उपासना देवी, मुझे आपको बताना है कुछ। बताओ। मेरे बॉस ने कल मुझसे कहा था कि मेरे केबिन में अंदर आओ। अच्छा, फिर बॉस ने मुझसे कहा अंदर आओ, मैं केबिन में अंदर गई। मुझसे बॉस ने बोला कि चेयर चेयर लेके मेरे पास आ जाओ, यहाँ बैठो। अच्छा, फिर मैं नहीं बता रही, तू मुझे बता, घबरा मत, बता क्या हुआ, बता। मैं अंदर गई तो उपासना अरे दीदी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, इतना गुस्सा आ रहा है, मैं सही बता रही हूँ, मैं जॉब छोड़ दूंगी। जॉब क्यों छोड़ेगी तू? मैं तुझे बताऊंगी इन कमीनों के साथ क्या करते हैं। तू मुझे बता तो सही कि हुआ क्या है। अरे उसने मुझसे पूछा आज शाम को फ्री हो क्या। अच्छा, एक नंबर घुमाएगी ना, कंप्लेंट हो जाएगी, सब सीधे हो जाएंगे। तू मैं जॉब छोड़ दूंगी। डर मत, इन कमीनों के साथ क्या करते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। तू मुझे बता। उसने पूछा आज शाम को क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं फ्री हूँ, अच्छा, फ्री हूँ, मैं फिर जॉब क्या काम? छोड़ दूंगी, मुझे इतना गुस्सा आ रहा एक तो तू रो मत, इनको मैं बिल्कुल सीधा कर दूंगी, ऐसा सीधा करूंगी माँ बहन सबकी इज्जत करने लग जाएगा। बता क्या हुआ फिर? से बड़े प्यार से बोला कि आज शाम को फ्री हूँ। मैंने कहा फ्री हूँ, क्या हुआ? अच्छा, मैं जॉब छोड़ दूंगी। फिर क्या कहा उसने जब तुमने कहा कि मैं शाम को फ्री हूँ? कहता क्या, मुझे 500 पेपर दे दिए टाइप करने के लिए। मुझसे कहने लगा तुम फ्री हो तुम कर दो। मैंने कहा यार इतना टाइम तो होता नहीं, इतने पेपर, इतना काम करवाया शाम में, पेपर्स टाइप करो टाइप करो टाइप करो, मेरी उंगलियां थक गई। यार ये कोई बात थोड़ी होती है, अगर पेपर्स टाइप कराने हैं तो आप 2 दिन पहले कह दो, मैं थोड़े थोड़े करके कह दूंगी। कह रहा था अर्जेंट काम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कर दो, तो जाके फिर मैंने किया। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं जॉब छोड़ दूंगी, इतना काम कराएंगे तो। मैं यही आपसे कह रही थी, छोड़ू या नहीं छोड़ू, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं जॉब छोड़ दूंगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है ना? क्या पता खराब, नहीं कैसे बता रही है, क्या बता रही है, पागल। शुरू में क्या बकवास कर रही थी? मैं क्या बकवास कर रही थी, मैंने यही तो बोला आपको। आप भी मुझे डांटो एक नंबर की गधी है, ऐसे क्यों, बात करते हैं क्या, ऐसे बताते हैं? आप भी मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। आपको भी लग रहा होगा 300 पेपर टाइप किए हैं ना, मैं समझ गई, 500 किए हैं पूरे, यही लग रहा था ना। अब पता नहीं क्यों जब कैसे पहले बकवास की थी, बकवास मैं क्या कर रही थी, तो क्यों बोल जा तू, समझ गई, ऐसे बता रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया हो तेरे साथ। क्या, हाँ वही ना, आपको भी यही लग रहा है कि सिर्फ 300 पेपर टाइप किए होंगे, यही निकल रहा है ना मेरे मन से आपके। चुप हो जा, पता नहीं क्या बोली जा रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ फोन रख दे बस। सा...